एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। एक लाइन दे रखी है x plus 2y plus 9 is equal to 0 and second line है 3x plus y and -7 is equal to 0. This is -7 is equal to 0. हमें ये पता है कि अगर m1 और m2 दो लाइंस के स्लोप हैं तो उनके बीच एंगल क्या होता है, tan theta is equal to mod of m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। सो देखिए यहां पर m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन दैट इज m1 इज इक्वल टू क्या है, दिस इज -1/2 एंड m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन ये कितना आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू दिस इज -3। m2 इज इक्वल टू कितना है, दिस इज -3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। सो दोनों के बीच एंगल क्या आ जाएगा, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1/2 माइनस -3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 -1/2 एंड -3। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, -1 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 -1/2 प्लस 3 अपॉन दिस इज 1 प्लस 3/2 ये होगा। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम लेंगे 6 माइनस 1 दिस इज 5/2 एंड ये भी क्या है 5/2 टू कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। सो थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री कर सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड पे दिया है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसके आपको इक्वेशन निकालनी है, रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू किससे पास हो रहा है, ये दे रखी है आपको, दिस इज 4.5 इस पॉइंट से पास होता है एंड इज मेकिंग एन एंगल, एक सर्टेन एंगल बनाता है 45 डिग्री का किसके साथ, लाइन 2x minus y plus 7 is equal to 0। इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाती है ये लाइन और इस पॉइंट से पास होती है। मान लीजिए लेट द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन मान लीजिए इसका स्लोप क्या है m एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन दिस इज इक्वल टू 2 के इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। सो क्या होगा आपके पास, tan थीटा मींस tan 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m-2 upon 1 plus 2m ये आएगा। अब देखिए tan 45 कितना होता है आपके पास, 1 होता है, सो मॉडुलस हटाएंगे क्या आ जाएगा आपके पास, m-2 upon 1 plus 2m इज इक्वल टू +-1, या तो +1 हो सकता है या -1 होगा क्योंकि मॉडुलस हटाए, यहाँ पर +1 लेते हैं, m-2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2m। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, -m इज इक्वल टू -3। अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या आएगा, m-2 upon 1 plus 2m is equal to -1। सो दिस इज m-2 इज इक्वल टू -1 माइनस 2m। सो यहां पर 3m इज इक्वल टू 1 होगा, m इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3।
सो दो इक्वेशन हो सकती हैं ऐसी जो किससे पास हो रही हैं, 4.5 से पास हो रही है एंड एक गिवन लाइन है उसके साथ 45 डिग्री का एंगल सब्टेंड करती है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 5 इज इक्वल टू फर्स्ट स्लोप क्या था माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, क्या आ जाएगा, दिस इज y प्लस 3x, ये माइनस 5 है ये प्लस 12 है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस 19 इज इक्वल टू 0। या सेकंड कौन सी लाइन हो सकती है, m इज इक्वल टू इसमें क्या लेंगे 1/3, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 4, दिस इज 3y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 3y माइनस एक्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे दिस इज 11 इज इक्वल टू 0। सो दो इक्वेशन है, या तो वो इक्वेशन क्या है 3y माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0 या y प्लस 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। दिस वॉज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच साइड्स दे रखी हैं आपको, दिस इज 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज ए बी लाइन ले लो एंड सेकंड लाइन है आपके पास दिस इज x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज बी सी लाइन ले लिया एंड थर्ड है आपके पास x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो आपको दिस इज सी ए, ए बी बी सी और बी सी सी ए और सी ए और ए बी में स्लोप फाइंड आउट करना है ना, सॉरी एंगल फाइंड आउट करना है, कितने कितने का एंगल ये सबटेंड करती है। देखिए एम वन स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी लाइन का स्लोप क्या है, दिस इज माइनस 3 एंड एम टू दिस इज स्लोप ऑफ बी सी कितना है, दिस इज 1/3 एंड एम थ्री दिस इज स्लोप ऑफ सी ए ये कितना आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब देखिए एंगल ए बी और बी सी में एंगल कितना होगा, दिस इज मान लीजिए 10 थीटा है या दोनों के बीच एंगल बी होगा, 10 बी इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, दिस इज एम वन माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस एम वन एम टू, वैल्यूज रख दो क्या आएगा, दिस इज एम वन माइनस 3 एंड माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस क्या आएगा, एक आपके पास क्या है दिस इज माइनस 3 है एंड एक है आपके पास क्या, दिस इज 1/3, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 9/3 मॉडुलस अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी होगा तो बी एंगल कितना आएगा आपका, आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के ऊपर है एंड अब देखिए आप बी सी और सी ए में बी सी का स्लोप आपके पास 1/3 है एंड सी ए का स्लोप माइनस 1/2 है, इनके बीच एंगल निकालते हैं क्या आएगा, दिस इज 10 सी आएगा, दोनों के बीच एंगल सी पॉइंट कॉमन है, 10 सी इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज एम टू माइनस एम थ्री अपॉन 1 प्लस एम टू एम थ्री, दिस इज क्या आ जाएगा, ये एम टू माइनस 3 है एंड एम टू कितना है 1/3, दिस इज 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/1 प्लस आएगा 1/3 इंटू माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा, दिस इज ऊपर आपके पास दिस इज माइनस 1/2 था तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज 5/6 मॉडुलस अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस 1/6, ये भी 5/6 है, दिस इज इक्वल टू 1, सो एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 45, सी 45 है, D
बी आपके पास 90 है तो ए एंगल कितना आ जाएगा, दिस इज दिस विल बी अगेन क्या आएगा आपके पास 45 डिग्री। सो ये था लाइंस की इक्वेशन दे रखी थी, उनके बीच आपको एंगल निकालना है। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 4.5, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 4.5 से एंड मेक्स इक्वल एंगल विद मींस रिक्वायर्ड लाइन मेक्स रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, किससे पास हो रही है, पासिस थ्रू 4.5 से पास हो रही है एंड इट मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइन, लाइंस दी हुई है आपके पास 5x minus 12y is plus 6 is equal to 0 and second line hai, this is 3x minus 4y minus 4y minus 7 is equal to 0. ये दो lines हैं, इनके साथ जो required line है वो equal angle बनाती है, equal angle बना रही है और 4.5 से पास हो रही है, 4.5 से पास होती है। सो देखिए स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन m1 दिस इज इक्वल टू क्या है 5/12 एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन m2 दिस इज इक्वल टू 3/4 ये है। अब देखिए ये लाइन दोनों के जो रिक्वायर्ड लाइन है दोनों लाइंस के साथ इक्वल, इट मींस क्या हुआ आपके पास जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है इनके स्लोप आपको पता है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ले लो, इसका स्लोप कितना है आपके पास मान लो m है, सो एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा m minus 5/12 अपॉन दिस इज 1 plus 5 m by 12, 5 m by 12 is equal to क्या होगा आपके पास सेकंड लाइन भी जो इस रिक्वायर्ड लाइन के साथ एंगल बनाती है वो क्या है सेम है दोनों का, सो क्या आएगा m minus 3/4 अपॉन 1 plus 3 m by 4 ये होगा। सो आप क्या करेंगे यहां से दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सो मॉडुलस हटा दो और इसको सॉल्व करो क्या आएगा m minus 5/12 अपॉन 1 plus 5 m upon 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस m minus 3/4 और 1 plus 3 m by 4 आएगा by 4। सो यहां पर एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, प्लस साइन लेते हैं तो m minus 5/12 अपॉन 1 plus 5 m by 12 दिस इज इक्वल टू m minus 3/4 एंड 1 plus 3 m by 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं दिस इज m plus 3 m square upon 4 माइनस दिस इज 15/48 m इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास दिस इज m minus 3/4 एंड प्लस 5 m square by 12 माइनस 15 m upon 48 ये आपके पास कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आएगा ये आएगा 3 m square by 4 एंड माइनस 5 m square by 12 इज इक्वल टू क्या होगा दिस इज -3/4 + 5/12 इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या आएगा 12 एलसीएम आ गया क्या आ जाएगा दिस इज 9 - 5 दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 4 m square इज इक्वल टू यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस इज 9 ये आएगा आपके पास -4/12 एम स्केर इज इक्वल टू -1 आता है जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये केस आप कंसीडर नहीं करेंगे, दिस केस विल नॉट बी कंसीडर्ड
क्योंकि स्क्वेयर्ड क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन. सो सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में क्या है आपके पास, दिस इज माइनस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज एम अपॉन एम माइनस फाइव बाई ट्वेल्व अपॉन वन प्लस फाइव एम अपॉन ट्वेल्व, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बाई थ्री एम माइनस थ्री बाई फोर अपॉन वन प्लस दिस इज थ्री एम बाई फोर. ये लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज ये होगा, आपने फर्स्ट केस को तो नेग्लेक्ट कर दिया है, दिस इज क्या आएगा आपके पास, ये होगा मल्टीप्लीकेशन करो एम एम प्लस थ्री एम स्क्वायर बाय फोर माइनस फाइव बाय ट्वेल्व एंड माइनस फिफ्टीन बाई फोर्टी एट एम इज इक्वल टू माइनस साइन लेंगे, दिस इज माइनस एम माइनस एम एंड प्लस थ्री बाई फोर एंड ये लेंगे माइनस फाइव बाई फाइव एम स्क्वायर बाय ट्वेल्व एंड माइनस एंड फिर प्लस हो जाएगा क्या आएगा फिफ्टीन एम बाई ट्वेल्व फिफ्टीन एम बाई सॉरी फोर्टी एट 15m by 48. अब देखिए ये आपके पास this is minus m है. Left hand side में ले आओ सभी terms को. So आपके पास क्या आ जाएगा? This is 3m 3 by 4 m square and plus 5 by 12 m square 5 by 12 m square and minus माइनस ये एम माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस टू एम आ गया एंड माइनस फिफ्टीन बाई फोर्टी एट एम ये है फिफ्टीन बाई फोर्टी एट एम ये है क्या आएगा फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर एम हो जाएगा एंड माइनस फाइव बाई ट्वेल्व एंड माइनस दिस इज थ्री बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन आ गई. इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए इसको ऐड करते हैं तो एलसीएम 12 आ गया. दिस इज 9 प्लस 5 14 एम स्क्वायर बाय दिस इज 12 एंड ये होगा आपके पास 48 माइनस 15 दिस इज ये आएगा प्लस 33 एम बाय 12 बाय 24 बाय 24 माइनस क्या होगा आपके पास अगेन इसको ऐड करते हैं दिस इज 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू जीरो. 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 28 एम स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 33 एम एंड माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा 28 एम स्क्वायर एंड प्लस इसमें क्या रख देंगे दिस इज फैक्टर करेंगे इसके तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे आपके पास दिस इज 724 33 सम होना चाहिए 7 ये आ जाएगा तो ये होगा आपके पास ये नेगेटिव है 49 अगर m करें एंड प्लस 16 m माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो 7 m कॉमन ले लिया 7 m ये यहां पर बचेगा दिस इज 4m माइनस 7 एंड प्लस आपने क्या कॉमन ले लिया दिस इज यहां से 4 कॉमन लिया जा सकता है एंड ये बचेगा 4m माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो 7m प्लस 4 और क्या आएगा आपके पास 4m माइनस 7 इज इक्वल टू 0. m इज इक्वल टू या तो माइनस 4 बाई 7 है या 7 बाई 4 है. आपके पास अब लाइन का स्लोप है और लाइन पास किससे हो रही है 4.5 पॉइंट से पास हो रही है. इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 7 इनटू x माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन कर दो 7x 7y सॉरी माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 4x एंड प्लस 16. सो इक्वेशन क्या हुई 7y
प्लस फोर एक्स एंड माइनस इधर आएगा, दिस इज 51 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज वन ऑफ द लाइन। सेकंड लाइन आपके पास क्या आ जाएगी, y माइनस फाइव इज इक्वल टू स्लोप है आपके पास 7/4, दिस इज 7/4 इंटू एक्स माइनस फोर, क्या हो जाएगा 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 7x माइनस 28, क्या आ जाएगा 4y माइनस 7x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। ये सेकंड लाइन है, दो इक्वेशन आएंगी। सो आप उस केस को ध्यान रखेंगे, फर्स्ट में आपने पॉजिटिव साइन लिया था, उसमें m स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव आया, तो उसको नेगलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1.1 से पास हो रही है, 1.1 से पास हो रही है एंड पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, दिस इज 4x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, इस लाइन के पैरेलल है। सो देखिए इस लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी भी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन वन क्या आ जाएगी, 4x प्लस 4y, 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज करते हैं एंड ये पास किससे हो रही है, इट पासिस थ्रू कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1.1 से पास हो रही है। सो यहाँ पर 1.1 कर देंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दिस इज 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8। सो रिक्वायर्ड लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन ये हो गया आपके पास, यहाँ पर इसमें लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 4x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो किससे पास हो रही है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट P दे रखा है, दिस इज 3.2 एंड परपेंडिकुलर टू y माइनस x इज इक्वल टू जीरो, y माइनस x इज इक्वल टू जीरो। सो देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर है, या तो आप वैसे ही ले सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन मींस अगर कोई आपके पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो ये लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, bx माइनस ay, एक के साथ माइनस लगा देते हैं, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से इसी सीक्वेंस में करेंगे, लाइन परपेंडिकुलर टू वन, वन के परपेंडिकुलर, दिस इज वन लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, दिस इज माइनस, क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस वन था, y का कोफिशिएंट वन, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, एक का साइन चेंज करेंगे, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एंड इट पासिस थ्रू किससे पास हो रहा है, पॉइंट दे रखा है 3.2, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, माइनस 3 माइनस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 5 हो गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज, इसमें पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू, दिस इज क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, दिस इज 1 आया, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी माइनस 1 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए आपका, माइनस 1। यहां से ऐसे कर सकते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज 1 है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y,
तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, -1। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, उसकी इक्वेशन इस पॉइंट से पास होती है, y-2 इज इक्वल टू माइनस, दिस इज x-3, दिस इज y-2 इज इक्वल टू माइनस x+3, क्या आ जाएगा x+y-5 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आएगी, कौन से तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 7th क्वेश्चन है, 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, एक गिवन लाइन है 3x minus 2y plus 5 is equal to 0। देखिए एक बार फिर चेक करते हैं, सॉरी 2x ही था, दूसरे के लिए क्लीन स्टेटमेंट, दूसरे के ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू किस लाइन के परपेंडिकुलर है, 2x minus 3y plus 4 एंड इज इक्वल टू 0 एंड विच पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, ये दे रखा है -2, 3। अब देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे, -3x एंड +2y एंड एक का साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या कर दिया हमने, -y plus lambda is equal to 0 एंड इट पासिस थ्रू दिस पॉइंट -2, 3। सो यहाँ से वैल्यू रख दो, इसमें क्या आ जाएगा 6, -6 plus lambda is equal to 0, lambda is equal to क्या आ गया आपके पास 12। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, वापस इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, -3x minus 2y plus 12 is equal to 0, क्या आ जाएगा 3x plus 2y minus 12, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो पास किससे हो रही है, 4, 4, 5 पॉइंट से पास हो रही है एंड एक केस में दे रखा है कि टू पैरेलल टू किसके है, 3x minus 2y एंड +5 is equal to 0। फर्स्ट केस में कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर है एंड सेकंड केस में कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ विच इज परपेंडिकुलर टू 3x minus 2y plus 5 is equal to 0। तो फर्स्ट केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो लाइन इसके पैरेलल है, क्या इक्वेशन होगी इसकी, 3x minus 2y, एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम रखो, सिर्फ आप कांस्टेंट को चेंज करेंगे, दिस इज द लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एंड ये पास किससे हो रही है, इट पासिस थ्रू 4, 5, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज 12, क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 4 रखेंगे, दिस इज 12 माइनस 10 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज -2, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x minus 2y minus 2 is equal to 0। सेकंड केस में कहता है कि वो लाइन इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो लाइन क्या हो सकती है, ये आ जाएगा आपके पास -2x minus 3y and plus lambda is equal to 0 एंड सेम वे ये पास किससे, 4, 5 से पास हो रही है, सो -8 minus 15 plus lambda is equal to 0, सो lambda is equal to क्या आ गया, 23। वापस वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, -2x minus 3y plus 23 is equal to 0, 2x plus 3y minus 23 is equal to 0, this is the required line। Next question देखिए, अब ये question लेते हैं, 14th question लेते हैं पहले, two opposite vertices of a scale, यहाँ पर
एक वर्टेक्स 3.4 है, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी। ये कहता है कि दो वर्टेक्स दे रखे हैं जो अपोजिट वर्टेक्स हैं, मींस डायगोनल के एंड पॉइंट्स हैं, एक है 3.4 एंड एक है 1.-1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर वर्टिसेस। अदर वर्टेक्स के मान लीजिए x1 y1 है एंड ये x2 y2 है। अब देखिए AC को ज्वाइन करते हैं, slope of AC क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू -1 -4 और 1 -3, दिस इज इक्वल टू 5/2। अब यहां पर AB makes an angle 45 degree with AC के साथ 45 degree का angle बनाता है, because this is a square, तो diagonal side के साथ 45 degree का angle बनाएगा। So आपके पास क्या आ जाएगा, 10/45। अगर AB का जो slope लेते हैं, slope of AB आपने m मान लिया, तो 10/45 इज इक्वल टू क्या होगा, m-5/2 अपॉन दिस इज 1+5 m/2 आएगा, ये होगा एंड दिस इज इक्वल टू +-1। सो आपके पास प्लस साइन लेते हैं तो क्या आएगा, m-5/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1+5 m/2। सो दिस इज -3 m/2 इज इक्वल टू 7/2, m इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -7/3। अगर AB का स्लोप आप -7/3 लेते हैं तो स्लोप ऑफ BC क्या आएगा, स्लोप ऑफ BC क्या है, AB के परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप क्या आएगा आपके पास, दिस इज 3/7, दिस विल बी 3/7। अब देखिए AB का स्लोप है, इसका स्लोप कितना है आपके पास, -7/3 एंड इसका स्लोप है m2 ले लो, दिस इज इक्वल टू कितना है, 3/7 आपके पास ये है। अब आप यहां से AB की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AB की इक्वेशन क्या होगी, 3.4 से पास हो रही है एंड ये स्लोप है, क्या आ जाएगा, y-4 is equal to -7/3 into x-3, this is equal to 3y-12 is equal to -7x and this is +21, kya aa jayega, 3y+7x and -33 is equal to 0। ye equation AB ki hai। ab BC ki equation of BC BC kisse -1 पॉइंट से पास हो रही है एंड स्लोप 3/4 है, सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y+1 इज इक्वल टू 3/7 इनटू x-1, दिस इज 7y+7 इज इक्वल टू 3x एंड माइनस क्या होगा 3, सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 7y-3x एंड +10 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब बी पॉइंट है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AB और BC का, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49y-21x एंड प्लस 30 किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, +70 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड है आपके पास, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 9y एंड +30 21x एंड -99 इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 58y-29 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। सो y1 की वैल्यू आपके पास क्या आई, 1/2। सो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में रख देंगे तो 3 into 1/2 plus 7x minus 33
इज इक्वल टू जीरो. सो क्या आ जाएगा, दिस इज 7x is equal to 33 minus 3 by 2, this is equal to 63 by 2, x is equal to क्या आ गया आपके पास 9 by 2, so x1 आपके पास 9 by 2 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 9 by 2 and this is 1 by 2. अब सेकंड जो वर्टेक्स है D, फोर्थ वर्टेक्स, इसके आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. आपको ये पता है कि डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है वो सेम है, सो एसी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 बाय 2, एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा एंड एक्स 1 प्लस एक्स 2 बाय 2 दोनों सेम होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया. एक्स 1 की वैल्यू हम जानते हैं, एक्स 1 कितना आया था आपके पास, दिस इज सॉरी एक्स 1 आया था आपके पास 9 बाय 2, यस, तो क्या आएगा 4 is equal to 9 by 2 and plus x2, plus x2, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, this is equal to minus 1 by 2, x2 minus 1 by 2 है. similarly y coordinate निकालेंगे, y1 plus y2 upon 2 is equal to 4 minus 1 by 2, 2 से 2 cancel हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास, this is y1, y1 पता आपको, this is 1 by 2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3, सो यहां से y2 क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाय 2, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 5 बाय 2, सो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, दिस इज y2 है ये, दिस इज y2, ये 5 बाय 2 है एंड दिस इज माइनस 1 बाय 2 एंड ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट 9 बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 बाय 2. अब 13th क्वेश्चन देख